ये फोटोग्राफ हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के साथियों के हैं जो अलग-अलग समय पे उस आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए। सात अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सचदेव को फांसी की सज़ा हुई और बाकी उनके सात साथियों को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई। तो अब जेल कोठरी में जाके भी भगत सिंह ने अपना पढ़ने और लिखने का काम जो है वो जारी रखा, और उसी के जो उनके बहुत से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बाद वक्त समय समय पे जेल से अपनी फांसी की कोठरी से भेजे हैं वो उसका एक सबूत है। और ये जो 404 सफ़े की एक नोटबुक है, ये उनकी जेल में वो सभी जो पढ़ा है उसमें से जो कुछ विचार अच्छे लगे या जिनको वो अपनी लिखतों में इस्तेमाल करना चाहते थे उनको उन्होंने अंकित किया है। I ask why your omnipotent God does not stop every man when he is committing any sin or offense? Why did he not kill warlords or kill the fury of war in them and thus avoid the catastrophe hurled down on the head of humanity by the great war? Why does he not produce a certain sentiment in the minds of the British people to liberate India? Why does he not infuse altruistic enthusiasm in the hearts of all capitalists to forego their rights of personal possession of the means of production and thus redeem the whole laboring community, nay, the whole human society from the bondage of capitalism? Where is God? What is he doing? Is he enjoying all these woes of the human race? Down with him. गीत गांद और गीत होएगा राजवीर का असीनी मनते हो सरावन जेड़ा देवे लीचा पा। तो पहला वो गीत सुनो। Thank you.
टाइम चिंता जी रही है ड्यूटी ते जान ता टाइम सिर घर ना आन ता हालात तो सारे यहो जी है तुहानू पता ही है इस करके टाइम सिर ही घर आना चाहिए साडा मुंडा टाइम सिर नहीं घर आता सानू आप बहुत बंदा चिंता रही रही है डैडी वे बहुत फिक्र करते है बाहर भाई वह ठीक ही रहा हो संत चिंता हैगी ना उस बड़ा लड़का हो ही है आपके आप सीपीआई में हैं कब से इन्हों के डैडी तो शुरू तो ही है ने डैडी ये हो गया उन्होंने 20 साल भी 25 साल कैसे पार्टी में गए पार्टी च मतलब उस तरह ही मतलब हिस्सा लेंदे ने पार्टी मैंबर नहीं है उस तरह हिस्सा लेंदे जिते कोई प्रोग्राम हो सुन जरूर जाते है तो सतपाल डांग उन्होंने नाल जरा उन्होंने देखभाल अच्छी है तो मैं मतलब पार्टी मैंबर है आप सीपीआई में हैं और आपके बेटे तो नक्सलाइटों के साथ इंकलाबी एकता केंद्र में हैं ये कैसे हुआ जो अपना ख्याल विचार है ना कॉलेज जाता है उतो ही हिसाब किताब मुंडिया मंडिया के नाल ही हो गया ठीक है जो हो गया सानू कोई इतराज नहीं है आप वैसे साथ में ही काम करते हो आपके विचार सारा एक ही है हाँ दलदे हैं विचार वैसे किताबा कतूबा अपन पढ़ता रहा अस अपन पढ़ते रहने जब हम भगत सिंह वाले जत्थे में जा रहे थे तो हमने देखा कि आपके बेटे के हाथ में बंदूक है कभी चलाई है उन्होंने बंदूक ना चलाई तो नहीं कभी बाहर चलाई है तो पता नहीं करता तो पता नहीं कभी देखी नहीं है कभी चलाई कभी देखी नहीं है सिर्फ हाथ में रखते हाथ में भी नहीं देखी हमारे तो घर में ही नहीं है तो उसने हाथ में कहां रखनी बाहर पता नहीं वो कहां से ले ली होगी उसने वो भी पार्टी वाला लोगों ने दी पार्टी नहीं आया तो रक्षा के लिए है रोटी